दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ फिश जो कि पॉपुलर है, गंगा है, ये मल्ली है। आप रोहू से निकल के भी जो है वो कुछ खा भी सकते हैं, मरी हुई मछली से मुकाबले कर रहा है। बेटा छड़ दे बेटा, तेरे कितना कड़ालना पाया जाए बेटा, बहुत भारी है ये। अगर आप इसको ओपन करें तो आपको नजर आएगा, ये जो आपको थैली अंदर नजर आ रही है, मीन्स के ये वो कह रहे हैं जी जिंदा होगी थी, हाथ नहीं आनी। इसकी आंखों का जो रंग है वो बहुत मैटर करता है। और उस पॉइंट पे जाके अगर आपको रियलाइजेशन हो जाए तो गॉट टू नो कि ये असल हकीकत क्या है। ये काम खोलना, तकड़ी को पूरा ना रखना और गागों के साथ दो नंबरी करना, ये आपको दिखाते हैं जी। ये मल्ली फिश है, ये बाम है सॉरी। और हम जो हैं ज्यादातर लाहौर में जो है वो बस रोहू को ही खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ फिश जो कि पॉपुलर है, मिलती है आपको। ये आपको रोहू मछली है विच इज सपोज टू बी मोर देन 3 kg, या एटलीस्ट 2,800 ग्राम 2,900 ग्राम, जो कि जिसका कांटा जो है वो बड़ा होता है। एक आपको रोहू दिखाते हैं, ये पीछे ये छोटा साइज है, और ये जो है वो खग्गा है, ये मल्ली है, और ये पीछे आपको जो है वो थैला मिलेगी। तो सेवन काइंड ऑफ फिशेस आर अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट। आप रोहू से निकल के भी जो है वो कुछ खा भी सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करते रहे। हाँ, कुछ फिशेस होती हैं जिनके घर में जो है वो पकाने पे जो उनकी खुशबू है या महक है वो ज़रा तेज़ होती है, लेकिन रोहू ज़्यादा पसंद भी इसीलिए की जाती है कि ज़रा इसकी एक जनरली इसकी जो खुशबू है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये जो है बेटा छड़ दे बेटा, तेनों कितना कड़ालना पै जाए बेटा, बहुत भारी है, छोटा सा भाई है हमारा, ये उससे भारी मर्जी उठाई हुई है। तो अरशद भाई जो है वो सफाई का ख्याल रखें, ओपन बैठे हुए हैं, लेकिन जो है ना वो हर चीज़ में सफाई रखी हुई है, उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की हुई है चीज़ों को मेंटेन रखें। फिश का सीजन है, लेकिन जाहिर है बिल्कुल है रिश्तेदार नो ते मक्खी नो तुसी जड़ा ना वो डक नहीं सकते, थोड़ी मजबूरी है, तुहानू बर्दाश्त करना पैंदा है। हाँ जे वो आ भी जाए। हाँ ये जी ये छोटा सा बच्चा है अरशद भाई का, टाइम मरी हुई मछली से मुकाबले कर रहा है, वो कह रहे हैं जे जिंदा होगी तो हाथ नहीं आनी, इन्हू एंजी फड़ के इंजॉय करो। ये देखे जी, ये उन्होंने मुझे ये समझ ले मेरी घर की जो किल्लत है प्रैक्टिस है वो उसको बचा रहे हैं, और मुझे वॉश हुई भी मुझे साफ जो है वो मछली मिल रही है, प्योरली ओमेगा 3 है जी, बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैं फिश नहीं खाता, उनको आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत उनके कान खींचने चाहिए कि ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है अगर वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये देखें जी देसी, ये कौन सी थी जी, मल्ली है, देसी मल्ली है। इसके अंदर जो है वो नर और मादा का सीन होता है, ये अगर आप इसको ओपन करें तो आपको नजर आएगा, ये जो आपको थैली अंदर नजर आ रही है इट मींस के ये अंडे की थैली जो है ये मादी है जी, ये फीमेल है। और ये जब आप मेल फिश देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई थैली नहीं नजर आ रही, ये कोई थैली आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। दिस इज द मेजर डिफरेंस, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई व्हाटएवर यू लाइक यू कैन बाय, लेकिन ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। यू कैन ऑल्सो सी, जब भी आप लेना चाहें ऐसी कोई चीज़ तो आप उसको खुद भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इनको हाथ लगाने से अवॉइड करते हैं, लेकिन वैसे खाने में उनको कोई मसला नहीं होता अगर उनको पकी हुआ मिल जाए। और ख़रीदारी जो है उसका मकसद भी यही है कि आप चीज़ भी फ्रेश लें और आप चीज़ के एटलीस्ट चीज़ को जांचें ज़रूर। अब अगर आप गाड़ी में ही बैठे रहेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि जो चिड़ा है ये थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो आपकी इसकी फ्रेशनेस का नहीं पता लगेगा। मेनली जो इसकी स्किन की टाइटनेस है वो भी बहुत मैटर करती है, इसकी आँखों का जो रंग है वो बहुत मैटर करता है, इसके अंदर की जो लाली है वो बहुत मैटर करती है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप गाड़ी से उतरेंगे, बाइक से उतरेंगे और ख़ुद चीज़ को देखेंगे और पसंद करेंगे।